नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक में जो चाय आप और हम पीते हैं, इसी चाय से बनी हुई दवा होम्योपैथिक में, जिसका नाम है थिया। थिया चाय से बनी हुई दवा कितने लाभ करती है ये मैं आपको बताऊंगा। जिनको नींद नहीं आती, यानी कि होम्योपैथिक में उल्टा सिस्टम होता है, यूँ समझ लीजिए। तो जैसे चाय बहुत ज़्यादा पीने से नींद उड़ जाती है, तो उसी चाय से बनी हुई थिया का प्रयोग करने से नींद आने लग जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा चाय पीने के साइड इफ़ेक्ट्स को ये दवा दूर करती है। नींद नहीं आने की शिकायत होती है, हृदय की धड़कन गति बढ़ जाती है। चाय पीने के कारण होने वाले कई पुराने रोगों में थिया का इस्तेमाल करने से आराम मिलता है। रोगी को अधिक मात्रा में उल्टी होने के साथ तेज सिरदर्द होने पर जल्दी लाभ मिलता है। शरीर के विभिन्न अंगों पर थिया का क्या क्या प्रभाव है ये मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। इसके रोगी के जो मानसिक लक्षण होते हैं, जिसमें रोगी अपने आप में ही खुश रहता है तथा वह मानसिक रूप से बदमिजाज हो जाता है, ऐसे लक्षणों में रोगी को थिया औषधि देने से उसका रोग ठीक हो जाता है। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं, यदि उल्टी होने के साथ सिर दर्द होता हो तथा दर्द सिर के एक स्थान पर शुरू होकर धीरे धीरे पूरे सिर में फैल जाता है, ऐसे लक्षणों में थिया औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सिर के पिछले भाग में ठंड व भीगा हुआ सा महसूस करना इसका लक्षण है। नींद से संबंधित जो लक्षण है, यानी जिनको नींद नहीं आती या कम आती है, तो नींद ठीक से ना आती हो तथा नींद में डरावने सपना आने के कारण अचानक डर कर उठ जाता हो, तो ऐसे लक्षणों में रोगी को थिया औषधि देने से लाभ होता है। कान के लक्षण, रोगी के कानों में अनेक प्रकार के अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी तो थिया औषधि का सेवन करना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षणों में हृदय में दबाव महसूस होना, पूरे हृदय में दर्द होना, हृदय में कंपन होने के कारण बाईं करवट सोने में कठिनाई होना, छाती में फड़फड़ाहट महसूस होना, नाड़ी की गति तेज होना तथा नाड़ी का रुक रुक कर चलना आदि हृदय से संबंधित लक्षणों में थिया औषधि का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। थिया औषधि जो चाय से बनी है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं किससे बनी है, तो इस प्रकार के जो हृदय के लक्षण हैं उनको ये दूर करती है। पेट से संबंधित जो लक्षण है कि ऐसा महसूस होता है कि पाकाशय के ऊपर का भाग अंदर की ओर घंस रहा हो, आमाशय में बहुत सी और खालीपन जैसा महसूस होता हो, खट्टा पदार्थ खाने की अधिक इच्छा करती हो, अधिक मात्रा में मलद्वार से वायु निकलती है, ऐसे पेट के लक्षणों में थिया औषधि का सेवन करने से पेट से ही हो जाता है। पेट में गड़गड़ाहट होना, आंतों के अपने स्थान से हटना आदि लक्षणों में भी थिया औषधि से लाभ होता है। बहन बेटियों के डिंब कोशों में घाव, दर्द व छूने से दर्द होना आदि रोग भी थिया औषधि से ठीक होता है। नींद का अधिक आना, देखो इसमें दोनों ही है, अनिद्रा की भी ये दवा है और जिनको नींद बहुत आती है उनके लिए भी ये दवा है। नींद का अधिक आना साथ ही खून का संचार करने वाली नाड़ियों में उत्तेजना, अस्थिरता पैदा होना तथा चमड़ी का सूख जाना आदि लक्षण नींद रोग में रोगी को थिया औषधि देने से। नींद का अधिक आना कम होता है, नींद के ऐसे लक्षण जिसमें रोगी एक बार यदि सो जाए तो भयंकर सपने आने पर भी वे
अपने नींद से नहीं उठते हैं, ऐसे रोगियों को थिया औषधि देने से लाभ होता है। कुल मिला के थिया जो है दवा, ये पेट के कई विकारों को ठीक करती है, और अधिक चाय पीने से जो शरीर पे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं उनको दूर करती है, और चाय पीने से अनिद्रा रोग हो गया हो उनको दूर करती है, और जो आदमी बहुत ही ज़्यादा सोते हों और उठते नहीं पाते हों तो उनको भी काम करती है। पल्पिटेशन यानी कि हृदय की बढ़ी हुई धड़कन को ये नियमित करती है। कुल मिला के ये एक बहुत अच्छी दवा है, इसका आप प्रयोग 30वीं पोटेंसी इसकी सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि इसकी 3 पोटेंसी भी अच्छा काम करती है, लेकिन 200 पोटेंसी भी बहुत अच्छा काम करती है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 30 पोटेंसी से करनी चाहिए। 30 पोटेंसी को दिन में 4 बार लेना चाहिए, 2-2 बूंद दिन में 4 बार जीभ के ऊपर डालें, या आधे कप पानी में 2-2 बूंद दिन में 4 बार 15 दिन तक लें। अनिद्रा का रोगी हो, चाहे पेट का हो या पल्पिटेशन का हो या जो भी हो, उसके बाद अगर और लेने की आवश्यकता है तो अपने चिकित्सक से राय करके ही लें। और अनिद्रा रोग के अंदर आगे जा कर के 30 शक्ति के बाद 200 शक्ति का इस्तेमाल करने से और अधिक लाभ होगा, तो अपने डॉक्टर से या मुझसे आप पूछ करके लें। थिया चाय की पत्ती से बना है या चाय के बीज से बना है, जिससे भी बना है हमें उस गहराई में नहीं जाना। थिया बाज़ार के अंदर पोटेंसी में खूब मिलती है, आप इसका इस्तेमाल करें, और ये एक बहुत ही लाभदायक दवा जो चाय से बनी है, और चाय पीने के दुष्प्रभाव इतने अधिक होते हैं। गांव के रोगी जो होते हैं वो दिन भर होटल के अंदर वो उनके पूरे कप प्लेट भी साफ नहीं होते, और बहुत ज़्यादा मीठे के गांव के लोग शौकीन होते हैं, तो पूरा गिलास कांच का भर भर के और वो दिन में कितनी ही चायें पीते हैं, और रात भर बीड़ियां फूंकते हैं और नींद नहीं आती। तो ऐसे रोगी जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा चाय पी करके अपने शरीर का नाश कर लिया या अपने शरीर को रोगीला बना लिया, तो उनके लिए अगर उनके इतिहास में ये पाया जाए कि चाय का इस्तेमाल अधिक किया है, तो थिया औषधि देने से वो सब साइड इफ़ेक्ट दूर होंगे। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।